इंडिया। बहराइच में एक ऑटो लिफ्ट गिरोह का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने चोरी की 12 बाइक भी बरामद की है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग लखनऊ से बाइक चोरी करके लाते थे और फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे बेच देते थे। एक अंतरजनपदीय गिरोह के दो लोगों को अरेस्ट किया गया है जो लगातार पिछले कुछ समय से लखनऊ में अन्य जनपदों से दोपहिया वाहन चोरी करते थे। उनके ओरिजिनल कागज यहां पे बायर्स को दिखा के सस्ते दाम पर दोपहिया वाहन बेचते थे। इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं। इनमें से कुछ मोटरसाइकिल लखनऊ से जो चोरी हुई हैं उनके जो ओनर्स हैं उनसे संपर्क हो गया है। फरुखाबाद में भारी बारिश और नरोरा बांध से करीब 1,00,000 क्यूसेक पानी से छोड़े जाने के चलते गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशाने से ऊपर आ गया है। नदी के तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है। साथ ही बाढ़ के पानी की वजह से किसानों की हजारों एकड़ की फसलें भी बर्बाद हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। के दृष्टिगत जो है राजस्व विभाग की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। आज भी हमारे सभी उप जिलाधिकारी तहसीलदार जो हैं वो क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। एक्सेस सिंचाई के द्वारा भी जो है निरीक्षण कराया गया है। इसमें कुछ गांव हमारे जो हैं वो संवेदनशीलता में ज़्यादा आते हैं, जैसे तीसराम की मड़ैया है, मंजा की मड़ैया है, हरसिंह कायस्थ है, उगरपुर है, समेचित कुशेदार है, कमखरी है, कटरी तौफीक जो है, कुछ गांव ऐसे हैं जो कि अगर और पानी थोड़ा सा और बढ़ा तो फिर वहां पे जो है कुछ समस्याएं हो सकती है। और गोवा की सैर करने वालों को अब दीघा में घर व सुविधा मिलेगी जो पर्यटकों को यहां तक लाने में आकर्षित करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा की खूबियां गिनाते हुए कहा कि मरीन बीच की सैर हो या सिप्लेन पर्यटन, विभाग दीघा को पर्यटन के मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान पर लाने की कवायद में जुट चुका है। यहां गोवा जैसा माहौल था। जगन्नाथपुरी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने का भी लोगों को मौका मिलेगा। आगामी त्योहार जन्माष्टमी को देखते हुए मथुरा में डीएम ने एक बैठक बुलाई। सीएम योगी के आगमन के मद्देनजर इस बैठक में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जन्माष्टमी की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है डीएम जन्माष्टमी पूर्व भव्य रूप देने के लिए आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सहारनपुर में पिछले दिनों एक पत्रकार आशीष और उसके भाई की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकार हत्याकांड में शामिल नामजद 6 अभियुक्तों में से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 महिला आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और उन्हें जेल भेज चुकी थी। वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश जारी है। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने हत्या का कारण पैसों का विवाद बताया है। मॉर्निंग जो है पत्रकार आशीष और उसके भाई की घर में घुस के गोली मार के हत्या की गई। उसमें 6 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें महिपाल और उसके पत्नी विमलेश और उसके 3 लड़के, एक सूरज, एक सनी, एक गौरव और एक चौथी लड़की वर्षा, ये 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और इसमें उसी दिन जो है शाम तक 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई है। उत्तरकाशी के आराकोट में राहत सामग्री पहुंचाकर लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा कृषि उत्पादों को लाने के लिए बनाए गए रोपवे की तारों से उलझकर टकराने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य के लिए इस हेलीकॉप्टर को लाया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी के सामने जब ये मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या रीट्वीट को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है, ये सुनवाई के दौरान तय होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है। फ्रांस ने यूरोप और विदेश मामलों के प्रवक्ता
जयावेस लेड्रायन ने कहा कि कश्मीर पर हमारी नीति स्पष्ट है, ये मामला भारत पाक को द्विपक्षीय राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। दरअसल जया ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात की। जया ने पाक से क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भी कहा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत को बांग्लादेश का साथ मिला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताया है। विदेश मंत्री शाहिदुल हक ने कहा कि बांग्लादेश ने हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बीते दिन राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस समारोह में 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें से 18 नए मंत्री सरकार में शामिल हुए हैं, जबकि 5 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। इन सभी नए मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई।